अरे भाई मुझे ये बताएं आप कि आप उस डिजाइनर से बात क्यों नहीं करती जो आपको झूठा करने का दावा कह रहा है। गौरव, मैं इनकी एडवाइजर है मेरी जी। देखो अस्मा, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम अकेले तो सफर नहीं कर रही ना। मुझ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है इस चीज का, मैं भी भुगत रही हूं। लेकिन इस तरह से इस बात को उछालना और वावेले मचाने से कुछ हासिल तो नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूं लारेब जी, ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें मेरी क्या गलती है? और क्या मैं लोगों को ये समझने दूं कि मैंने चोरी की है? देखो तुम्हें क्या लग रहा है, प्रॉब्लम इस तरह से हल हो जाएगी? नहीं, लेकिन जो मैं तुम्हें हल बता रही हूँ ना, उसको जरा ठंडे दिमाग से तहमुल से सोचो। क्या कह रही हैं आप? सबसे पहले तो ये वीडियो डिलीट कर, उसके बाद अपने पैसे ले लूं। वो वादा तो आप कब से कर रही हैं? मैं पहले वादा कर रही थी ना, आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ चेक। बस तुम वीडियो डिलीट करो और अपना चेक ले लो, सिंपल। और मेरी बुटीक और वो जो कोर्ट में केस है, वो उन सब का क्या होगा? देखो बुटीक को तो तुम भूल जाओ, और अदालत में ना माफीनामा जमा करा दो। क्या? अब अस्मा, ये कोई आइडियल सिचुएशन तो है नहीं कि हर फैसला तुम्हारे हक में होगा, लेकिन कम से कम मैं जो तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ, एटलीस्ट उससे तुम्हारे ड्रेसेस का मुआवजा तो तुम्हें मिल जाएगा ना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे भाई मुझे ये बताएं आप कि आप उस डिजाइनर से बात क्यों नहीं करती जो आपको झूठा करने का दावा कह रहा है। गौरव, मैं इनकी एडवाइजर है मेरी जी। तुम अपने साथ लॉयर लेकर आई हो? नहीं, लॉयर नहीं हूँ मैं इनकी बस खैर ख्वाह हूँ। चले खैर, आप बताएं जो पूछ रही हूँ आपसे। क्या आप मुझे ये बताएं कि आप वो सारे सबूत उस डिजाइनर के मुंह पे क्यों नहीं मारती? तब किस चीज के सबूत? ये क्या बकवास है? अरे भाई आपका ये दावा है कि डिजाइन आपके है, वो दावा करे कि डिजाइन उसके है, तो अगर आपके डिजाइन है तो आप उसको सबूत दे दें। और ये सबूत आएंगे कहां से? अरे भाई आपने वो डिजाइन बनाए हैं तो सबूत आपके पास होंगे ना भाई। आजकल तो सब सोशल मीडिया पे लगा देते हैं वीडियो बना के। आपने वो बनाते हुए कोई वीडियो कोई तस्वीर कुछ तो बनाई होगी ना, तो बस वो सबूत पेश कर दें आप। मामले के बारे में ये कुछ जानती भी है? अच्छा आप ये बताएं, वो डिजाइन आपके नहीं है ना? मुझे पहले बता था, नहीं है ना? बताएं। आप बताएं कि किसके डिजाइन है वो? फरीद के। तो फरीद के डिजाइन आपने चोरी किया और इल्जाम असम पर लगवा दिया, ये क्यों किया आपने भाई? ऐसा क्या मुसीबत आ गई थी? अरे भाई फरीद के है ना, कहा मैंने, और वो इस प्रोजेक्ट के ना वार्डरोब फरीद डिजाइन कर रहा था और वो 20 प्रोजेक्ट से चला गया, तो मैं क्या करती, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, वक्त की कमी भी थी, तो मैंने वो डिजाइन फिर आसमा को दे देंगे उसके ड्रेसेस बना दे। मुझे तो लगा था किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सर मुंडाते ही ओले तो बरसेंगे ना। बस और सर भी बचाना है हमने, जल्द अज जल्द इस सिचुएशन से भी बाहर निकलना है। समझ आई आपको? आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक गॉड। चलें अब आप एक काम करें, चेक दे दें ताकि ये वीडियो हम डिलीट कर दें। कौन सी वीडियो? वो वाली नहीं, पुरानी वीडियो नहीं, ये नई वाली वीडियो। हैकमेल,
ब्लैकमेल? अरे हम ब्लैकमेल कि तुम ब्लैकमेल है? चूटी कहीं की, पहले तो अपना किया धरा सारा अस्मा के ऊपर डाल दिया है, डिजाइन खुद चोरी किए और बेचारी हमारी अस्मा पे इल्जाम लगाते हैं, खामखा उसकी बिजली बंद करवा दी तुमने, पुलिस तक मामला पहुंचा दिया। चोर कहीं की, देखा अस्मा तुमने कैसी निकली, चेक दो इधर फौरन, सारे काम खुद करके हमारी अस्मा पे इल्जाम लगा दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी जो तुमने किया है ना, और याद रखना ये जो तुम फैशन का लिबादा ओढ़े फिरती हो ना, ऐसा चपेड़ लगेगा ना कि जबड़े के जरिए फैशन नीचे निकल जाएगा तुम्हारे। और अगर ये चेक बाउंस हुआ तो याद रखना ये वीडियो सोशल मीडिया पे फैला दूंगी और FIR कटवा के अंदर करवा दूंगी। अब निकल घर से निकल। आपने तो कमाल ही कर दिया, चलो ऐसी बात नहीं है भाई, मैं हूँ अज़रा चैंपियन जेम्स बॉन्ड 009। आ जाओ।